अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपने ऑलरेडी अपना ऑनलाइन कोर्स बिजनेस शुरू करने का मन बना लिया है। मगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर शुरुआत कहां से की जाए। आजकल टेक कितना एडवांस है, ऑडियंस कितनी डाइवर्स है, होस्ट कहां किया जाए। आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और इसलिए मैं लाया हूं ये 6-step गाइड जो मदद करेगी आपको अपना सबसे पहला ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने में। हाय, मेरा नाम है किरण सचदेव एंड इन दिस वीडियो इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट द ओनली 6 steps यू नीड अपना पहला ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने के लिए। तो शुरू करते हैं। Now I know what you're thinking. खाली 6 steps में एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करना? I mean, is that even possible? You must be joking. But I am not kidding. And you need to keep watching this video until the end because these are the only 6 steps you need. The only 6 steps you need to follow अगर आप अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं। So number one, build an audience as an expert. जब आप एक स्पेसिफिक टॉपिक पर ऑनलाइन कोर्स बनाने के बारे में सोचेंगे, आपके मन में जो नंबर वन ख्याल आएगा कि इन कोर्सेज को खरीदेगा कौन, वो ऑडियंस जो इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो वो मिलेगी कहाँ। वेल, कई ऑनलाइन कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी मार्केट में बहुत डिमांड होती है और लोग ऑलरेडी ऐसे कोर्सेज के इंतजार में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मशीन लर्निंग या स्टॉक ट्रेडिंग जैसे कोर्सेज। मगर ये हमेशा नहीं होता। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिनमें इंटरेस्टेड ऑडियंस को ढूंढने में टाइम एंड एफर्ट लगता है। सो हियर इज व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू बिल्ड एन ऑडियंस एज एन एक्सपर्ट बिफोर यू कैन स्टार्ट सेलिंग योर कोर्स। सिंपल भाषा में आपको अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी होगी और उस ऑडियंस के सामने अपना ऑनलाइन कोर्स पोजिशन करना होगा, और ये पॉसिबल है फेसबुक और रेडिट जैसी कम्युनिटीज की मदद से। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स को एंगेज करिए, उनका ट्रस्ट जीतिए और फिर अपने कोर्स प्रमोट करिए। जब आप एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे जो आपकी एक्सपर्टीज पर भरोसा करती है, आपके पास ऑलरेडी एक डेटाबेस होगा जिनको आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज बेच सकते हैं। नंबर टू, शूट कॉन्टेंट। अच्छा टॉपिक हो गया, ऑडियंस मिल जाएगी, अब वॉट इज द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू? Next thing is to shoot the course you want to launch. अब videos बनाने के लिए आपको एक script लिखनी होगी, उस script को shoot और edit करना होगा। अब यहाँ आप या तो एक video production agency को hire कर सकते हैं या फिर आप ये सब कुछ खुद करें। The easiest method is doing it yourself using Nourish, जहाँ आपको अपना course content record करने के लिए built-in Zoom feature मिलता है। इसे आप अपना कोर्स कंटेंट रिकॉर्ड करने के साथ साथ प्रेजेंटेशंस भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपकी ऑडियंस को बेहतर क्लैरिटी मिले। दिस वे नॉरिश आपकी मदद करेगा एक पूरा सेशन रिकॉर्ड करने में टॉप नॉच क्वालिटी के साथ, वो भी बिना ज्यादा एफर्ट के। इसके अलावा दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कैमरा कॉन्फिडेंस एंड सब्जेक्ट एक्सपर्टीज। दोनों बहुत जरूरी है टू एंश्योर दैट योर वीडियोज आर ऑफ ग्रेट क्वालिटी। नंबर थ्री, डिसाइड प्राइसिंग। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड कि आप ये ऑनलाइन कोर्स किस प्राइस पॉइंट पर बेचेंगे। इसके लिए आपको एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। मान लीजिए आपका टारगेट है कि आपको हर महीने अपने ऑनलाइन कोर्स की सेल्स से कम 1,00,000 रुपए कमाने हैं, तो अगर आपका कोर्स 2,000 का होगा तो आपको 50 सेल्स चाहिए एक महीने में। अगर आपका कोर्स 5,000 रुपीज का होगा तो यू विल नीड 20 सच कस्टमर्स। द आइडिया इज कि आप अपने मंथली गोल डिसाइड करें, प्लस ये पता करें कि आपकी टारगेट ऑडियंस कितना प्राइस अफोर्ड कर सकती है और आपके कॉम्पिटिटर्स क्या चार्ज कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स आपको एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करेंगे जिससे आप एक रीजनेबल और प्रॉफिट जनरेट करने वाली प्राइसिंग पर आएंगे। नंबर फोर, कंडक्ट वेबिनार्स टू ग्रो अवेयरनेस। नाउ दैट यू हैव एवरीथिंग इन प्लेस, आपको अपने ऑनलाइन कोर्सेज को पॉपुलर बनाना है, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ानी है और उससे अपनी टारगेट ऑडियंस के पास लेकर जाना है। One of the easiest and most organic ways of doing this is via webinars. अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक debatable topic लीजिए और उस पर एक webinar host करिए। Invite a lot of potential customers to attend this free webinar. इस webinar के end में आप viewers को इस course की value के बारे में बता सकते हैं और अपने course को upsell कर सकते हैं। जितने ज्यादा registrations होंगे उतनी ज्यादा attendance और उतनी ज्यादा sales. Number 5, sell faster with ads.
अब इट्स नो सीक्रेट कि YouTube और Facebook आर सम ऑफ द फास्टेस्ट वेज टू ड्राइव ट्रैफिक. If your target audience is on Facebook, use Facebook ads. If your target audience is on Instagram, use Instagram ads. मैं ऐसे बहुत सारे कोर्स क्रिएटर्स को जानता हूं जिनको Facebook और Insta ads के जरिए 2x even 4x returns भी मिल रहे हैं. मतलब 4x profits. So ads are really the backbone of any business, especially online coaching businesses. Number 6 is to build funnels to get more sales at cheaper costs. और अगर आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज की सेल्स 10, 20, इवन 50 टाइम्स इंक्रीज करना चाहते हैं वो भी बिना ज्यादा पैसा खर्च किए, तो यूज सेल्स फनल्स. सेल्स फनल अपनी ऑडियंस बिल्ड करने का और अपने ऑनलाइन कोर्सेज की सेल्स बढ़ाने का फास्टेस्ट तरीका है. ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिससे आप अपने पोटेंशियल लीड्स को अपने कोर्सेज के बारे में अवेयर कर सकते हैं, उनके साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर एंगेज करके उन्हें अपने कोर्स से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और डिफरेंट कंटेंट की मदद से उन्हें एक बाइंग कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं. ईबुक्स, वेबिनार्स, वीडियो फनल्स, यूट्यूब फनल्स सबसे कॉमन सेल्स फनल्स हैं जिन्होंने कई ऑनलाइन बिजनेसेस की सेल्स बढ़ाने में मदद करी है. नॉरिश एक ऐसा ऑनलाइन कोर्स होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको एकदम ऑन पॉइंट सेल्स फनल्स डिजाइन करने में हेल्प करता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकें. तो अगर आप सेल्स फनल के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो सेल्स फनल्स पर मेरी फ्री मास्टर क्लास जरूर देखिए. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. एंड हियर इज अ बोनस टिप फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. एक्सपेरिमेंट, टेस्ट एंड इंप्रूव. ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस में वही सक्सेसफुल हो पाते हैं जो कॉन्स्टेंटली मार्केटिंग एंड सेल्स को ध्यान में रखते हैं. इसका मतलब अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज सेल करना चाहते हैं तो आपका काम सिर्फ एक कोर्स बनाकर लॉन्च कर देने पे खत्म नहीं होता. यू हैव टू लॉन्च इट, असेस द फीडबैक एंड मेक चेंजेस टू द कोर्सेज टू मेक इट परफेक्ट. प्लस किस टाइप की एड्स आर डूइंग वेल, कौन सी ऑडियंस ज्यादा साइन अप कर रही है, एड्स पर कितना पैसा खर्च हो रहा है डेली, सब कुछ. एक्सपेरिमेंट, टेस्ट एंड इंप्रूव एवरीथिंग. यू कैन डू ग्रो योर कोचिंग बिजनेस इफ यू फॉलो दिस टिप. एंड दिस इज पॉसिबल व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग. सो गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया. गिव अप अ थम्स अप इफ यू लाइक्ड आवर वीडियो एंड शेयर इट ऑन योर सोशल्स. मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी एक ऐसे ही वीडियो के साथ. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.